दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 और पोको X3 प्रो के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है ऑन है और ये रेडी है, और बहुत सारा लोग का मोबाइल आ रहा है रिपेयरिंग होके जा रहा है, लेकिन बहुत सारा लोगों का मोबाइल ऐसा भी है जिन लोगों का कि रिपेयर होके नहीं जा पा रहा, तो उसी लोग के बारे में आज बात करूँगा। अगर आप भी अपना मोबाइल भेजे हो हमारे पास से रिटर्न नहीं जा रहा है, या तो कोई भी कारण के चलते लेट हो रहा है, तो एक्चुअली में वो लेट क्यों होता है, क्या आपको वो मोबाइल रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का मन में बहुत सारा डाउट है, तो सभी डाउट मैं आज क्लियर करूंगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग मोबाइल भेजता है, जिन लोग का तुरंत रेडी हो जाता है तो उन लोग को तो तुरंत ही भेज देते हैं। मतलब सोच लीजिए, उसका फ्रेश मोबाइल और आया, एक दिन में ही रिपेयर हो गया, उसका बाद दिन ही वो पेमेंट कर दिया, उसको मैंने मोबाइल भेज देते हैं। लेकिन जिन लोगों का मोबाइल, सोच लीजिए कोई मदरबोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, सोच लीजिए उसका मदरबोर्ड नहीं हुआ, दूसरा मदरबोर्ड ले रहा है, या तो कोई ऐसा हुआ कि उसका मोबाइल में सभी कुछ चेंज हुआ, उसके बाद भी अटक गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसी टाइम में मोबाइल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ, अगर आपका कोई भी हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, जिन लोग का मोबाइल मेरे पास है, तो मैं डायरेक्ट पर्सनली भी बोल रहा हूँ और ये मैं आपको वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने पैसा भेजा है मेरे पास और मदरबोर्ड के लिए भी पैसा भेजा है और आपका मोबाइल मेरे पास है, तो भाई देखो ना, आपका मोबाइल कहीं जाएगा ना आपका पैसा कहीं जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, मदरबोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभार 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ना आपका पैसा जाएगा ना आपका जो मोबाइल है कहीं जाएगा। अगर आपने पैसा भेज दिया है उसके बाद भी सोच लो मेरे पास मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं हुआ, या तो मैं मदरबोर्ड अरेंज नहीं कर पाया, तब भी आपका मोबाइल और आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का पैसा लेके खा के बैठ जाने वाला इंसान नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि पैसा जब भी आता है मैं उसको भेज देता हूँ, जिसके पास से मोबाइल का मदरबोर्ड आता है उसके पास भेज देता हूँ, तो वो जो है पैसा देने में थोड़ा बहुत आनाटानी करता है, क्योंकि उसके एक ऑर्डर दे चुका होता हूँ, तो उसलिए क्या होता है ना, कोई टाइम में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। बहुत लोग को परेशानी भी होता है उसका, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप पैसा भी दे चुके हो, मोबाइल भी दे चुके हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हो मेरा पैसा गया मोबाइल गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम एक यूट्यूबर भी हैं और एक दुकानी भी हैं, और ये हम नहीं कर सकते किसी का पैसा 2-5 हज़ार, 10 हज़ार रुपया लेके खा के बड़ा इंसान नहीं बन सकते, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपने मोबाइल भेजे हो और थोड़ा दिन लेट भी हो चुका है, तो टेंशन मत लो, आपका मोबाइल और आपका जो पैसा है पहुँच जाएगा, या तो आपका मदरबोर्ड जो है आपके पास लग के फिटिंग करके आपके पास पहुँच जाएगा। और दूसरा चीज़ है, अगर आपके पास फ्रेश मोबाइल है और आपका कोई काम मतलब हुआ नहीं है, मोबाइल में कोई रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप आराम से भेज सकते हो बिना दिक्कत, बिना झंझट, एक ही दिन में मोबाइल रेडी हो जाता है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद दिन ही मोबाइल इधर से रिटर्न चल जाता है। हाँ, अगर संडे फंडे हुआ, कोरियर ऑफिस बंद हुआ, वो तो अलग बात है, नहीं तो फ्रेश मोबाइल होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जो सब प्रॉब्लम होता है ना घाटा घोटी मोबाइल में, जो लोग मदरबोर्ड चेंज करता है, या तो जो लोग का मोबाइल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो लोग ऑलरेडी 2-3 जगह दिखा चुका है, इसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है, इसको बनने में भी टाइम लगता है, या तो मदरबोर्ड जो है कभी कभार हमारे पास रहता है, कभी कभार अरेंज करना पड़ता है, नहीं रहता है, कभी कभार ऑर्डर करने के बाद 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद भी आता है, तो इसी के चलते लेट होता है, आप लोग ये समझ सकते हो। और कहीं की क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ना, एनी टाइम अवेलेबल नहीं होता है, मिलता नहीं है, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है पोको X3 प्रो में, तो हम लोग को बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के मदरबोर्ड लाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा हिम्मत रखो, टेंशन मत लो, आपका पास आपका मोबाइल एकदम सेफली पहुंच जाएगा। ये बात बताना था, तो बहुत लोग को डाउट होता है कि भाई मैंने मोबाइल भेजा था आया नहीं, तो भाई ज़रूर आएगा आपका मोबाइल। हमारे पास जिसका जिसका भी जितना भी मोबाइल भेजा हुआ है, सभी का मोबाइल मेरे पास अवेलेबल है, सबका मोबाइल अभी है, और सबका मोबाइल मैं रेडी करके भेज दूंगा, ऐसा कोई टेंशन बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।